आज होगा विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव, राज्यपाल गुरमीत सिंह करेंगे नाम की घोषणा, रितु खंडूरी के नाम पर ही लगेगी मुहर। उत्तराखंड में अब नहीं रहेगी कोरोना की पाबंदियां, आज से सभी पाबंदियों को किया गया खत्म, लेकिन 2 गज की दूरी और मास्क अभी रहेगा जरूरी। देश के फलक पर उत्तराखंड का नाम हुआ ऊंचा, ईपीआई रैंकिंग में अव्वल, स्पार्क रैंकिंग में मिला 3रा स्थान। ऋषिकेश गंगा में डूबने से गाजियाबाद के 2 पर्यटकों की मौत, जल पुलिस ने स्कूबा डाइविंग कर बाहर निकाला शव। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल से बच्चों को मिड डे मील से मिलेगा दूध, सप्ताह में 1 दिन बच्चों को दिया जाएगा दूध। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों के दीदार को पहुंचे बिग बी, झलक पाने के लिए बेताब दिखे फैंस। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर है देहरादून से। आज होगा विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव, देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। और सुबह 11 बजे राज्यपाल गुरमीत सिंह नाम की घोषणा करेंगे। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, विधानसभा के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे और विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए 1 ही नाम प्रस्तावित है। तो आज विधानसभा अध्यक्ष नाम की घोषणा होगी, देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं। प्रस्तावित नाम पर मुहर लगेगी और रितु खंडूरी का नाम अव्वल पर है और विधानसभा अध्यक्ष बनना उनका तय है। आज विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है और सुबह 11 बजे राज्यपाल गुरमीत सिंह नाम की घोषणा करेंगे। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, सुबह 11 बजे राज्यपाल गुरमीत सिंह नाम की घोषणा करेंगे। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, आज विधानसभा अध्यक्ष नाम की घोषणा होगी और राज्यपाल गुरमीत सिंह नाम की घोषणा करेंगे और विधानसभा में सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। विधानसभा के अध्यक्ष पद पर 1 ही नाम पर मुहर लग सकती है, प्रस्तावित नाम पर ही मुहर लगेगी। रितु खंडूरी का विधानसभा अध्यक्ष लगभग तय माना जा रहा है और इसी खबर को लेकर देहरादून से हमारे साथ संवाददाता दानिश अली जुड़े हुए हैं। दानिश, आज विधानसभा अध्यक्ष नाम की घोषणा होने वाली है जिसमें से रितु खंडूरी का नाम सबसे आगे है। सिंह राज्यपाल घोषित करेंगे और लगभग 11 बजे ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि विधानसभा में सभी विधायक जो विधायक हैं, जो विधायक गण हैं, वो लगातार पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे लगभग 10 बजे के बाद, और 11 बजे ये जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। क्योंकि इस बार जो है भाजपा ने अपने अपनी ओर से जो रितु खंडूरी का नाम आगे बढ़ाया है और कहीं ना कहीं उसका उनका जो नामांकन वो भी करा दिया गया था। उसके बाद आकलन ये माना जा रहा था कि अब जो विधानसभा अध्यक्ष बनना उनका तय है वो वही कहीं ना कहीं अब साबित होता नजर आ रहा है, क्योंकि उनके बाद कोई भी जो किसी भी जो अगर मान के चलो कि कांग्रेस या अन्य कोई भी पार्टी ने किसने भी अपने विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन नहीं जारी किया, क्योंकि इस बार बड़े बहुमत के साथ जो है भाजपा ने अपनी जीत दर्ज करते हुए अपने, क्योंकि 47 विधायक आपके चुनके आए हैं भाजपा के, कहीं ना कहीं तो उन्होंने जो विपक्षी पार्टी उन्होंने अभी कोई भी नामांकन नहीं किया है, क्योंकि इकलौता जो नामांकन रितु खंडूरी की तरफ से किया गया है इससे साफ हो रहा है कि आज 11 बजे उनका जो अध्यक्ष बनना बिल्कुल तय है। और ऐसा भी है कि पहली बार, मैं आपको बता दूं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि उत्तराखंड के इतिहास में कोई महिला स्पीकर जो है इस बार विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठेगी, क्योंकि महिलाओं को आगे बढ़ाने का जो नारा भाजपा ने दिया था उसका कहीं ना कहीं एक उदाहरण के तौर पर भाजपा देख रही है कि किस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए और किस तरह से
जो उन्होंने नारा दिया था महिलाओं को आगे बढ़ाने का, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं रितु खंडूरी का नाम भाजपा ने सुझाया और विधानसभा अध्यक्ष को के नाम का उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के नाम पर रितु खंडूरी के नाम पर मोहर लगाई है। तो कहीं ना कहीं अब जो आगे की प्रक्रिया होने वाली है वो 11 बजे से स्टार्ट होगी और 11 बजे के बाद जो सभी विधायकगण होंगे वो विधानसभा में मौजूद होंगे। विधान मंडप जो होगा उसके अंदर ये पूरी प्रक्रिया चलेगी और मंडप के अंदर जो नामांकन किया गया है रितु खंडूरी के नाम पर मोहर लगाने का काम सभी विधायक गण कहीं ना कहीं करेंगे, क्योंकि अन्य कोई भी जो नामांकन दर्ज नहीं किया गया है विधानसभा अध्यक्ष के लिए, तो कहीं ना कहीं अब जो तय है बिल्कुल कि रितु खंडूरी का नाम ही अब विधानसभा अध्यक्ष के लिए तय हो चुका है। जी दानिश, आज इतना बड़ा दिन है, आज विधानसभा अध्यक्ष पद का चुनाव भी होना है, रितु खंडूरी का नाम सबसे आगे माना जा रहा है, तो कौन कौन से वो सदस्य होंगे जो विधानसभा में आज मौजूद रहेंगे अध्यक्ष पद पर, जब अध्यक्ष पद की दावेदारी होगी? बिल्कुल, राज्यपाल गुरमीत सिंह वहां पर मौजूद होंगे क्योंकि वही उनके नाम की घोषणा करेंगे। उसके बाद जब सभी जो विधायक गण होंगे, जो 70 के 70 विधायक हैं, वो कहीं ना कहीं विधानसभा में पहुंचने का काम करेंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि तमाम जो विधायक गण होते हैं वो इस पर मोहर लगाते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष, क्योंकि वोटिंग एक प्रक्रिया होती है कि वोटिंग की जाए, कौन किसको वोट देता है। हालांकि पहले ही सुनिश्चित हो चुका है क्योंकि रितु खंडूरी के अलावा कोई भी अन्य जो नामांकन दर्ज नहीं किया गया विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए, तो इसको इससे साफ हो चुका है कि रितु खंडूरी होंगी। लेकिन जो प्रक्रिया होती है वो अध्यक्ष पद के लिए जिस तरह से जो नामांकन किया जाता है उसके बाद जो वोटिंग की जाती है, लेकिन आज जो है सभी जो विधायक गण हैं वो वहां पर मौजूद होंगे और अपनी अपनी प्रतिक्रिया जो रितु खंडूरी के पक्ष में देने का काम करेंगे और सीधे रितु खंडूरी को विधानसभा अध्यक्ष के पद पर बैठाने का काम किया जाएगा। और आपको बता दूं कि इस बार जो है रितु खंडूरी सीधे तौर पर जो महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, उन्होंने एक बयान में साफ किया है कि इस बार जो महिलाओं का जो कद होगा वो उत्तराखंड की राजनीति में या फिर विधानसभा में वो अलग ही कद होगा, क्योंकि इस बार जो विधानसभा में उनके लिए अलग कक्ष बनाया जाएगा, क्योंकि महिलाओं को अलग बैठाने का व्यवस्था की जाएगी। क्योंकि देखा जाए तो जिस तरह से महिलाओं को उन्होंने कहा कि जी अन्य विधायकों के भांति कहीं ना कहीं आराम नहीं मिल पाता है, लेकिन इस बार जो है उनको लेकर अलग सुविधा दी जाएगी विधानसभा में, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष जो है महिला स्पीकर पहली बार बनने जा रही है और छठवीं बार उत्तराखंड के इतिहास में छठवें विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर रितु खंडूरी शपथ लेंगी। और कहीं ना कहीं जो अभी सत्र चलना है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा हो रही है कि 29 मार्च को जो सत्र शुरू होने जा रहा है, क्योंकि जो बजट भी पेश किया जाना है 29, 30, 31 तीन दिन का ये बजट ये सत्र चलेगा, उसको लेकर कहीं ना कहीं जल्द से जल्द जो ये विधानसभा अध्यक्ष की, क्योंकि उसके बगैर जो कार्रवाई जो होती है सत्र की वो नहीं चल पाती, क्योंकि इसी वजह से जो भाजपा ने जल्द से जल्द रितु खंडूरी का नाम सुझाया और आगे बढ़ाने का काम किया। जी दानिश, विधानसभा सत्र का अभी शुरुआत होना है, आगामी जो सोमवार का दिन होगा वो विधानसभा सत्र के लिए बेहद ही अहम माना जा रहा है, तो ऐसे में रितु खंडूरी एक महिला है और एक पहली महिला स्पीकर भी बनने जा रही हैं, तो कोटद्वार से वो विधायक भी हैं, तो वहां की महिलाओं के लिए वो क्या क्या कदम उठाएंगे? जी बिल्कुल, महिलाओं को लेकर जो भाजपा ने हमेशा नारा दिया है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम भाजपा के द्वारा किया जा रहा है, भाजपा हमेशा जो महिलाओं को आगे बढ़ाओ, क्योंकि इस बार जो है महिला वोट जो है भाजपा के पक्ष में बहुत पड़ा है, क्योंकि जो कहीं ना कहीं देखना जो पुरुषों के मुताबिक जो महिलाओं का पक्ष जो वोट है वो लगातार बराबर ही रहा है, लगभग 50-50 जो वोट पड़ा है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से पहले भी बयान आए हैं कि महिलाओं ने हमेशा हमें बढ़ाने का काम किया है, उत्तराखंड में लगातार जो हमें सराहने का काम किया और इस बार जो है महिलाओं ने जिताकर ही हमें 47 का मैंडेट जो हमें दिया है कहीं ना कहीं महिलाओं की बदौलत है, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं मैसेज देने का काम किया जा रहा है। और रितु खंडूरी जो कोटद्वार से चुनकर आई है महिला विधायक है, तो कहीं ना कहीं वो महिलाओं के लिए खास करना चाहती है, क्योंकि अभी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो विधानसभा जो भी महिला चुनकर आठ विधायक चुनकर आए विधानसभा में, तो कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पर कहना है 8 जो महिला विधायक है उनको खास ट्रीटमेंट दिया जाएगा इस बार विधानसभा में और उनको अलग बैठाने का उनका रहने का कहीं ना कहीं जो अलग कक्ष बनाया जाएगा। जी दानिश, अभी आपने जिक्र किया विधानसभा सत्र का, तो विधानसभा सत्र की भी शुरुआत होने जा रही है, तो वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो पुष्कर सिंह धामी को अब फेस करने वाले हैं?
बजट पेश होना। सबसे बड़ी बात ये बताऊं कि आपको कि 29 तारीख को ये जो सत्र चलेगा उसके 31 तक ये सत्र चलेगा, 3 दिन ये सत्र पूरा चलने वाला, जिसमें तमाम तरह की जो विपक्ष जो महंगाई को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा जो महंगाई का विपक्ष कहीं ना कहीं विधानसभा में सत्ता पक्ष को घेरने का काम करेगा, क्योंकि इस बार जो है जो पहले 11 थे अब इस बार 19 है, तो कहीं ना कहीं इस बार पूरी शक्ति के साथ जो विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को घेरने का काम करेगा और तमाम जो महंगाई के मुद्दे हैं पेट्रोल डीजल या फिर अन्य गैस जो महंगाई के मुद्दे हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पर वार करने का काम करेगा और अन्य पलायन के मुद्दे हैं और बेरोजगारी के मुद्दे हैं तमाम मुद्दों को लेकर इस बार जो है अभी शुरुआत पहला सत्र इस सरकार का जो है विधानसभा में शुरू हो जाएगा और उसको उसको लेकर कहीं जो सत्ता पक्ष है वो महंगाई बेरोजगारी पलायन और अन्य जो सड़कों के मुद्दे हैं उन पर घेरने का काम कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मुद्दा भी मेन रहेगा और लोकायुक्त का मुद्दा, क्योंकि पिछली बार जो है उत्तराखंड में जब सरकार भाजपा ने बनाई थी तो उन्होंने साफ किया था कि लोकायुक्त लाने का काम करेंगे, उन्होंने अपने अपने घोषणा पत्र में भी इसको रखा था कि घोषणा पत्र लाया जाएगा और घोषणा पत्र में लोकायुक्त लाया जाएगा, लोकायुक्त के बाद ही कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन 5 साल गुजर चुके हैं उसके बाद कोई भी किसी भी जगह लोकायुक्त का जिक्र नहीं आया, लेकिन इस बार जो है कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को घेरने का विपक्ष काम करेगा तो लोकायुक्त को लेकर। तो मैं आपको बता दूं कि कम तमाम मुद्दे जो है बेरोजगारी महंगाई और सड़कें और लोकायुक्त तमाम मुद्दों को लेकर इस बार जो है क्योंकि पहला सत्र शुरू होने जा रहा है सत्ता पक्ष जो है को घेरने का काम जो विपक्ष करने वाला है इस बार बहुत जोर पुरजोर तरीके से करने वाला है, क्योंकि पहले 11 थे इस बार 19 है, तो कहीं ना कहीं इस बार मजबूत विपक्ष देखने को मिलेगा। जी दानिश, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर लगातार खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं। आज विधानसभा स्पीकर की नाम की घोषणा होने वाली है और राज्यपाल गुरमीत सिंह नाम की घोषणा करेंगे। ऋतु खंडूरी का नाम लगभग तय माना जा रहा है। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। आज विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नाम प्रस्तावित किया गया है और जिसमें से ऋतु खंडूरी का नाम लगभग तय माना जा रहा है। और इसी बीच डोईवाला से खबर आ रही है। डोईवाला से आपको खबर बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा है। डोईवाला से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। दोपहर 1 बजे विशेष विमान से पहुंचेंगे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। राष्ट्रपति का दौरा है उत्तराखंड में और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से राजभवन देहरादून जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इसके साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 2 दिवसीय दौरा है उत्तराखंड में। डोईवाला से आपको खबर बता रहे हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 2 दिवसीय दौरा है उत्तराखंड में और इसके साथ ही दोपहर 1 बजे विशेष विमान से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से राजभवन देहरादून जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। डोईवाला से आपको खबर बता रहे हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 2 दिवसीय दौरा है उत्तराखंड में और दोपहर 1 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से राजभवन देहरादून जाएंगे और डोईवाला से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का उत्तराखंड दौरा है और 2 दिवसीय दौरे पर हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ संवाददाता राजकुमार अग्रवाल जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तराखंड दौरे पर हैं, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब आ रहे हैं। 1 बजे आने का कार्यक्रम है तो राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राष्ट्रपति का वेलकम करने वाले हैं एयरपोर्ट पे 1 बजे। उसके बाद 1:30 बजे देहरादून चले जाएंगे जहां कुछ कार्यक्रम में भाग लेंगे। उसके बाद कल का भी कार्यक्रम राष्ट्रपति महोदय का हरिद्वार का रहेगा। तो 2 दिन का ये कार्यक्रम है, कड़े सुरक्षा के इंतजाम एयरपोर्ट पे किए गए हैं। कुछ देर में जब राष्ट्रपति पहुंचेंगे तो उनकी आगवानी के लिए यहाँ पे तमाम बड़े नेता भी रहेंगे, राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री भी खुद पहुंच रहे हैं यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड के 2 दिन के इस दौरे पे काफी ज्यादा राष्ट्रपति जी के कार्यक्रम है तो उनको लेके काफी ज्यादा सतर्क है सुरक्षा कर्मी। और एयरपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल तब्दील किया गया है। हालांकि देहरादून जॉली ग्रांट से
MI-17 हेलीकॉप्टर से जाएंगे, लेकिन व्यवस्थाएं सड़क के पर भी बनाई गई है। अगर बाई दिवे 1% चांस बनते हैं कि बाई रोड जाना पड़े तो उसको देखते हुए भी यहाँ पर तैयारी की जा रही है, रिहर्सल की जा रही है राष्ट्रपति के दौरे को लेकर। जी राजकुमार जी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिवसीय दौरे पर है उत्तराखंड में, और क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं, वो कौन कौन से कार्यक्रम हैं जिनमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शिरकत करने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए 1 बजे जब जलवन एयरपोर्ट को उतरेंगे तो यहाँ से सीधे देहरादून में राजभवन जाएंगे, राजभवन में तमाम नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं, उसके बाद उनके कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। आज और कल 2 दिन देहरादून और हरिद्वार में कार्यक्रम है राष्ट्रपति के, जिसको लेकर व्यापक तैयारियां चल रही है। तो हम कह सकते हैं कि कल शाम 5 बजे यानी कि 5:10 पे वापसी होगी राष्ट्रपति की ज्वेलग्रांड से दिल्ली के लिए। राजकुमार जी, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर खबर लगातार आपको डोईवाला से बता रहे हैं, उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। आज 2 दिवसीय दौरे पर हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं, गोल्डी हिंग कण कण में जान। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी के लिए चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ गई हैं, वो कौन सी पहाड़ जैसी चुनौतियां हैं, आइए ग्राफिक के जरिए जानते हैं। राज्य की कमजोर अर्थव्यवस्था बड़ी चुनौती है सीएम धामी के लिए, और इसके साथ ही कोरोना काल में और भी ज्यादा अर्थव्यवस्था भी बिगड़ गई थी, जो कि सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है धामी के लिए। और इसके साथ ही राज्य में आय के साधनों में भारी कमी है, जिसको कवर करना बड़ी चुनौती है। राज्य पर 65,000 रुपए का कर्ज है, ये आपको ग्राफिक के जरिए चुनौतियां बता रहे हैं धामी सरकार के लिए। कर्ज के चलते कर्मचारियों की सैलरी में भी गिरावट है। अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए आय के नए स्रोत बनाने होंगे। और इसके साथ ही राज्य की बड़ी समस्या पलायन है, अभी इसी बात पर हम चर्चा कर रहे थे, पलायन की खबरें लगातार आ रही थी उत्तराखंड से, तो ये सबसे बड़ी समस्या है, लोगों का पलायन बड़ी चुनौती है धामी सरकार के लिए। तक राज्य के 968 गांव खाली हुए थे पलायन करते हुए, और 2011 के बाद 734 गांव पलायन में और भी ज्यादा जुड़ गए। पलायन रोकने के लिए सीमांत क्षेत्रों में ठोस कदम उठाने की जरूरत है यहां पर, और वहीं 8 लाख से ज्यादा बेरोजगार पंजीकृत हैं। बेरोजगारी का स्तर बढ़ता जा रहा है, ये बड़ी चुनौती है धामी सरकार के लिए। रोजगार देने के लिए सरकार ने उपनल में रजिस्ट्रेशन भी खोले। और उपनल में भी लगभग 1 लाख नाम रजिस्टर्ड है। लेकिन बीते 5 साल में 11,000 रोजगार ही अभी तक मिल सके हैं। और नौकरशाही धामी के लिए बड़ी चुनौती है।
नौकरशाही सरकार के कभी नियंत्रण में नहीं रही है। ये चुनौतियां बता रहे हैं आपको ग्राफिक के जरिए, ये चुनौतियों का पहाड़ है धामी सरकार के लिए। लाचारी की पीड़ा मंत्री भी जाहिर नहीं करते हैं अफसरशाही के चलते। स्वास्थ्य और शिक्षा भी धामी के लिए बड़ी चुनौती है। खबर देहरादून से है, जहां भाजपा की ओर से मंत्रिमंडल गठन में तीन पुराने चेहरों को हटाते हुए नए चेहरों पर मुहर लगाई है। लेकिन पूर्व में मंत्री रहे बिशन सिंह चुफाल ने मंत्रिमंडल को लेकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी, जिसके बाद कई सवाल उठाए गए। तो वहीं इस पर पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडेय ने भी कहा कि अगर संगठन की ओर से हम जैसे लोगों को पीछे करके प्रदेश की भलाई के लिए किसी नए चेहरे को मौका दिया गया है तो निर्णय बहुत अच्छा लिया गया है, और जिस पर पार्टी ने भरोसा जताया है वे बहुत ही बेहतर लोग हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी संगठन से नाराज हो। मैं एक बात कहूंगा, उन्होंने क्या कहा मैंने सुना भी नहीं, मुझे पता भी नहीं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जब एक ही स्तर के लोग अब मानो मंत्री बनने हैं 11 और एक ही स्तर के लोग एक ही दल में 20 लोग चुन के आ जाते हैं, 5-5 बार के, 6-6 बार के, तो निश्चित ही जो हमारे संगठन का नेतृत्व तो करने वाले लोग हैं उनके सामने निश्चित ही कठिनाई आती है। उनकी जगह होंगे तो हमको भी तो कठिनाई होगी होगी, तो कहीं ना कहीं अगर जो हम जैसे लोगों को पीछे करके हमारे संगठन के अधिकारियों को कुछ सहूलियत मिलती है तो मेरा फर्ज बनता है कि मेरे नाम हटने से अगर जो मेरे अधिकारियों की दिक्कतें खत्म होती हैं तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस काम आया हूँ। और एक ही स्तर के 4-4 बार 5-5 बार 6-6 बार के जब इतने MLA होंगे तो हमारे नेतृत्व के जो हमारे करने वाले लोग हैं, हमारे नेता करें, हमारे अधिकारी करें, उनके सामने भी करने की कठिनाई आती है। उत्तराखंड सरकार में शपथ ग्रहण करने के बाद कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा पहली बार भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां पर भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं पहली बार कार्यालय पहुंचे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सरकार की तरफ से एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है जिसको अच्छे से निभाने के लिए उनके द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा। सारी पार्टी का धन्यवाद कर रहे हैं, सारे कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, और पहली बार जो है प्रदेश कार्यालय आया हूं, यहां पर सारे पदाधिकारियों से मिला, सारे कार्यकर्ताओं से मिला, और आगे क्या प्लानिंग है, आगे कैसे सरकार चलनी है, कैसे आगे काम होने हैं, उन सबसे डिस्कशन करके और बस अब यहां से निकलूंगा। सर, अभी पोर्टफोलियो को लेकर जी देखिए, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, कैबिनेट में मुझको जिम्मेदारी दी है, जो भी पोर्टफोलियो माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के लिए ठीक समझेंगे वो देंगे, और हमारा सबका एक ही फर्ज है कि तन मन धन के साथ काम करें, अच्छी इच्छा शक्ति अच्छी होनी चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए, और जो भी विभाग मिलेगा उसको हम लोग उस विभाग में काम करेंगे और विकास योजनाओं को धरातल पर उतारेंगे। प्रदेश में एक बार फिर भाजपा सरकार बनने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा गर्मा गया है। नवनिर्वाचित धामी सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कमेटी गठन को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद कांग्रेस सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहाने अन्य मुद्दों पर घेरने में लगी हुई है। वहीं शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने भाजपा को कई मुद्दों पर घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई और पलायन जैसे गंभीर मुद्दे सामने खड़े हैं, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया जाता है, इससे भाजपा का चाल चरित्र चेहरा उजागर हो गया है। जनता पार्टी के संकल्प पत्र में सिविल कोड का कोई जिक्र नहीं है। हम समझते थे कि जो कैबिनेट की बैठक हो रही है इस बैठक में सरकार बढ़ती हुई महंगाई पर कैसे अंकुश लगे इस परिप्रेक्ष्य में चिंतन और मनन करेगी, बेरोजगारी की दर कम कैसे हो, अर्थव्यवस्था कैसे पटरी पर आए, विकास के अवरुद्ध कार्यों को कैसे हम आगे बढ़ाने का काम करें, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का वादा तो करते हैं लेकिन लोकायुक्त नहीं लाते हैं, उस पर चर्चा होगी, लेकिन संकल्प पत्र
और उनके चुनावी घोषणा पत्र को कह दीजिए, उसमें जो वादे किए हैं उस पर चर्चा नहीं होती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र होता है, जो मैं समझता हूं राज्य सरकार के अधीन नहीं है। इससे भाजपा का चाल चरित्र चेहरा उजागर हो गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र संकल्प पत्र या उनके चुनावी घोषणा पत्र पर कहीं नहीं है। माल रोड स्थित तो होटल के प्रांगण में गैस सिलेंडर रिफिल करते समय गैस सिलेंडर फटने से युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया और जिसे 108 की मदद से उपजिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे देहरादून रेफर कर दिया गया। बताते चले कि युवक गुब्बारों में सिलेंडर के माध्यम से गैस भरता था और मौके पर प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बताया गया कि जोर का धमाका हुआ और युवक के पैर के चीथड़े उड़ गए। स्थानीय लोगों की मदद से युवक को उप जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद युवक को देहरादून रेफर कर दिया। युवक की स्थिति गंभीर बनी हुई है और पैर से अत्यधिक खून बहने के कारण युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। केदारनाथ तक पैदल मार्ग पर जमी बर्फ हटा दी गई है। अब केदारपुरी के रास्तों व मंदिर के सामने वाले रास्ते से बर्फ हटाई जानी शेष है। 150 मजदूर बर्फ हटाने के कार्य में जुटे हुए हैं। फिलहाल अभी घोड़े खच्चरों की आवाजाही के लिए पैदल मार्ग को सुचारू कर दिया गया है। अभी पैदल मार्ग पर 1 मीटर तक बर्फ हटाई जा रही है, जिससे कि घोड़े खच्चरों के साथ ही यहां एडवांस टीमों के केदारनाथ तक आवाजाही हो सके। बुलेटिन फिलहाल इतना ही, बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।